2022 की हार के बाद टूट गए थे धोनी, खाली थी कसम। 2023 में ऐसी खतरनाक टीम बनाई जिसने मैदान पर मचा दी तबाही। आखिर धोनी के कौन से फैसले से लगातार जीत रही है चेन्नई सुपर किंग्स, कोई नहीं समझ पा रहा है धोनी का ये प्लान। ये त्रिदेव मचा रहे हैं घमासान। 2022 में ही धोनी ने प्लान बनाया, 2023 में तीनों को फोन मिलाया, तीनों को टीम में शामिल कराया, फिर टीम को मजबूत बनाया। धोनी के वो तीन हथियार जिनके दम पर धोनी ने बदली चेन्नई की किस्मत, इस बार इन तीनों को कोई नहीं रोक पाएगा, इस बार इतिहास रचा जाएगा। जी हाँ, आईपीएल 2023 में इस वक्त गुजरात के साथ साथ चेन्नई की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये वो टीम है जो साल 2022 में निचले पायदान पर रही। उस वक्त धोनी की बड़ी किरकिरी हुई थी, लेकिन उस हार के बाद धोनी ने कसम खा ली थी, ये सौगंध ले ली थी कि अगले साल तूफान मचाना है। उसके लिए धोनी ने अंदर ही अंदर तैयारी करनी शुरू कर दी थी, प्लान बनाना शुरू कर दिया था। टीम की तीन कमजोरियों को दूर करने के लिए खास योजना बनाई गई थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि साल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स टॉप फोर में शामिल है और क्रिकेट फैंस इस बार चेन्नई को चैंपियन मानकर चल रहे हैं। लेकिन यह सब कैसे बदला, कौन है वो तीन खिलाड़ी जिनके ऊपर धोनी ने बड़ा दाव लगाया था, तो चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल साल 2022 में चेन्नई की हार की सबसे बड़ी वजह तीन कारण थे, टॉप ऑर्डर का कमजोर होना, टीम के पास फिनिशर ना होना और डेथ ओवर में कोई गेंदबाज ना होना। इसलिए धोनी ने तीन अहम खिलाड़ियों को चुना। नंबर एक, धोनी ने सबसे पहले टॉप ऑर्डर को मजबूत करने के लिए रहाणे को अपने साथ लाए। रहाणे पहले भी धोनी के साथ राइजिंग सुपर जायंट्स में खेल चुके हैं और उस साल रहाणे के बल्ले से खूब रन बरसे थे। धोनी को रहाणे की ताकत का पता था, धोनी की यह चाल काम कर गई और रहाणे आईपीएल 2023 में किस तरीके से खेल रहे हैं हर कोई देख रहा है। जिस खिलाड़ी को लोग खत्म मान बैठे थे, धोनी ने उसे एक बार फिर से जिंदा कर दिया। नंबर दो, शिवम दुबे। जी हाँ, वैसे तो साल 2022 में भी शिवम दुबे पर धोनी ने भरोसा जताया था और दुबे के बल्ले से कुछ अच्छी निकली थी, लेकिन साल 2023 में दुबे का एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। उनके खेल को देखकर लग रहा है कि जैसे उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। दुबे का यही बेकॉफ खेल चेन्नई की ताकत बन रहा है और चेन्नई की जीत की अहम वजह भी है। नंबर तीन, धोनी का यह कदम सबसे बड़ा और सबसे साहसी था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि धोनी अपने स्क्वाड में से उस हीरो को खोज निकालेंगे जिसके ऊपर किसी की नजर नहीं जा रही थी। उस हीरे का नाम है मथीसा पथिराना। जी हाँ, वैसे तो पथिराना 2022 में भी चेन्नई के साथ थे, लेकिन उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। साल 2022 के बाद धोनी को समझ आ गया था कि एक गेंदबाज डेथ में गेंदबाजी करने वाला जरूर होना चाहिए। फिर धोनी ने पथिराना को ट्रेंड करना शुरू कर दिया। उसका नतीजा ये हो रहा है कि पथिराना हर मैच में आखिर में आते हैं, तूफान मचाते हैं और अपनी टीम को जिताते हैं। कम उम्र में ही जिस तरीके से पथिराना गेंदबाजी कर रहे हैं, उससे साफ समझ आता है कि धोनी ने उनके पीछे कितनी मेहनत की है। धोनी ने पथिराना को लेकर कहा था कि ये गेंदबाज आगे चलकर बड़ा इतिहास रचेगा। तो धोनी के इन तीन फैसलों से चेन्नई की आज काया पलट हो गई है। जो टीम हार रही थी वो अचानक जीतने लगी है, उसी का नतीजा है कि आज चेन्नई पॉइंट टेबल में टॉप की टीमों में से एक है। तो आपका धोनी के इन तीनों हथियारों को लेकर क्या कहना है, इन तीनों खिलाड़ियों में से आपको कौन सा खिलाड़ी सबसे बड़ा मैच विनर लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं।